हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इंग्लिश साइंस स्टार्ट करते हैं। काफी सारी अपन ने बात कर चुके हैं ना, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में अपन ने काफी ज्यादा कुछ पढ़ा है। उसके बाद देखा था कि सिल्क कैसे चाइना में ज्यादा पॉपुलर हुआ, उसके बाद थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलर हुआ और कैसे उसके डिमांड बढ़ने पर अलग अलग आर्टिफिशियल फाइबर्स मार्केट ओपन हुआ। आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी पहला जो मार्केट ओपन हुआ रेयॉन, है ना, रेयॉन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों रेयॉन पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था, इसका जो मेन बनाने का तरीका था, उसमें मेन जो मिलाया जाता था, मेन जो इंग्रेडिएंट था वो नेचुरल फाइबर था, तो नेचुरल फाइबर का मॉडिफाइड था, तो उसके लिए ज्यादा पॉपुलर हुआ डिमांड। एक और अपने पास है, उससे पहले इसलिए देख लेते थोड़ा सा काम का यूज होता है। रेयॉन काफी सारी रेयॉन के बारे में बात कर चुके हैं, तो रेयॉन के बारे में देखते हैं। रेयॉन जो है जनरली ये काफी सारे, देखो रेयॉन का यूज जो है ये टायर वगैरह बनाने में काफी यूज होता है इसका, है ना। आप अगर देखोगे तो आप बुक का पेज नंबर 47 देखो, आप लोग पेज नंबर 47, द लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयॉन आर यूज फॉर मेकिंग रेनफॉरेस्ट ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने में काम आता है। रेयॉन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विद वुड एंड मैन्युफैक्चर कारपेट्स वगैरह बनाने में काफी यूज होता है, बेडशीट वगैरह बनाने में, सॉफ्ट कपड़े जो होते हैं। रेयॉन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विद कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लॉथ विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग बेडशीट, तो बेडशीट वगैरह बनाने में काफी यूज होता है। इसके बाद जो काम आता है वो है नायलॉन। किस टाइप से न्यूयॉर्क और लंदन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर इसको बनाया, इसका नाम उन दोनों के नाम पे न्यूयॉर्क और लंदन दोनों, न्यूयॉर्क एन वाई न्यूयॉर्क और एल वाई लंदन के लिए देखते चलो। देखो नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर, करेक्ट, मैनमेड फाइबर सिंथेटिक फाइबर, करेक्ट। In 1931, it was made without using any natural raw material, ठीक है, तो बिना किसी भी natural raw material के इसे बनाया गया, मतलब fully artificial था। जबकि अपन ने देखा था रेयॉन था, तो रेयॉन सेमी सिंथेटिक था, अपन उसको सेमी सिंथेटिक क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो उसमें नेचुरल सेल्यूलोज वगैरह का यूज होता है, तो इसलिए उसको सेमी सिंथेटिक है, सेमी मैनमेड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये फुली मैनमेड है ना, मतलब इसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट का यूज नहीं किया गया इसको बनाने में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स, किससे बनाया गया, एमाइड मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से। अभी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, तो एमाइड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल इन्होंने मिलकर जब एक चेन फॉर्मेट की और उस चेन को नाम दिया नायलॉन, एक सिंथेटिक फाइबर, तो उसको नाम दिया नायलॉन, करेक्ट। The amide molecules are obtained from petroleum products by complex chemical process. जो जितने भी पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं उन उत्पादों में बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट की जो अनयूजफुल चीज़ें पड़ जाती हैं या फिर जिनको जिनके वो जरूरत नहीं थी लेकिन वो बनी है, ठीक है, लेकिन अब तो यूज करने लग गए अपन बाई प्रोडक्ट का, तो जो बाई प्रोडक्ट थे मेनली उसके जो उससे अपन को एमाइड मिलता है, और एमाइड केमिकल प्रोसेस से फिर अपन को नायलॉन मिलता है। नायलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमाइड मॉलिक्यूल्स, पॉलीमाइड मॉलिक्यूल्स उनके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा उनको ये मिलता है। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है कि जब एक ही मॉलिक्यूल, जैसे एक जैसे मॉलिक्यूल एक चेन फॉर्मेट कर ले, चैन फॉर्म कर ले, मतलब एक के बाद एक आके एक लंबी चेन बना ले, तो फिर वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है, ठीक है। द नायलॉन फाइबर वा consist of very long chain of polyamide molecules. The nylon fibers are elastic, ठीक है, elastic, अच्छा elastic का क्या मतलब है, elastic की जिनमें property होती है, elastic property होती है elasticity, elastic की एक property elasticity जिसे बोलते हैं, मतलब अगर आपने किसी चीज को खींचा और छोड़ने पे वो वापस वहीं पे आ जाए, करेक्ट, तो उसमें उतनी ज्यादा elasticity है, करेक्ट, जैसे रबर।
चलो, इलास्टिक स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंस, इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, करेक्ट। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज भी है, इम्पोर्टेंट तो क्या, एक इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है। देखो, डू यू नो में द टर्म नाइलॉन यूज फॉर पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल्स इज नेम्ड आफ्टर टू सिटीज, न्यूयॉर्क इन यूएसए एंड लंदन इन ग्रेट ब्रिटेन। एन वाई स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क एंड एल ओ एन फॉर लंदन। इट इज बिकॉज दिस प्रोडक्ट वॉज डेवलप्ड बाई कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ टू कंट्रीज, तो दोनों कंट्रीज के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर कलेक्टिवली जब एफर्ट किए तभी बना, तो इसलिए इसका नाम नायलॉन। तब उसका नाम नायलॉन, ठीक है। नायलॉन फाइबर इज हाईली इलास्टिक, टेंसाइल एंड सिल्क लाइक अपीयरेंस, ठीक है। टेंसाइल, हाईली टेंसाइल का मतलब है आप ऐसे समझो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप कितना ज्यादा दम लगा के खींचा जा सकता है ना। आपने इसको दम लगाए टूट गया, लेकिन अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो काफी लोग खींचते तो काफी ज्यादा देर तक टिका रहता है ना, उठता नहीं इजीली। फिर इसके बाद दे रखा है कि 1939 के समथिंग इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उस टाइम मार्केट में इतनी डिमांड इसकी स्टार्टिंग में नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें कुछ कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए इसको यूज किया जाने लगा। लेकिन जब बाहर की बात में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ 1945 के आसपास, तब जाके इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ी, ठीक है। तो नायलॉन ने यूज़ किया है, इट इज़ यूज मेकिंग रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड फिशिंग सेट, फिशिंग नेट्स, जो आपने देखा होगा जो फिशिंग के जो जाल वगैरह नेट्स वगैरह बनाने में काम में आती है, जो रस्सी काम में आती है वो, है ना। इट इज यूज फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स एंड स्ट्रिंग फॉर टेनिस रैकेट्स एटसेट्रा। टेनिस रैकेट में आपने बीच में जो स्ट्रिंग देखी है वो सारे बनाने में काम में आती है, ठीक है। फैब्रिक क्लॉथ के लिए जो पैराशूट वगैरह होते हैं उसके लिए जो कपड़ा है उसको बनाने में काम आती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टॉकिंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई इलास्टिसिटी। देखो ये हाईली इलास्टिक इसमें प्रॉपर्टी होती है, हाईली इलास्टिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी में तुमने बताया कि कोई भी अगर मटेरियल है कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, कितना ज़्यादा उसको आप अगर किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन से आप उसको किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करो और छोड़ दो तो वो वापस कितने आप ऐसे कह सकते हो कितना ज़्यादा अपनी इनिशियल स्टेट में आना चाहता है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इलास्टिसिटी के लिए काफ़ी चीज़ें डिफाइन करते हैं, बैलेंस होती है, के वगैरह है ना, जैसे स्प्रिंग इलास्टिसिटी का स्प्रिंग में वो होता है, उसके अलावा रबर है ना, और भी मटेरियल्स में होता है, कुछ लिमिट होती है। फिर उसके बाद एक ग्राफ आता है, वो आप आगे क्लासेज में पढ़ेंगे कभी, करेक्ट। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन, ठीक है, मशीन वगैरह पुली वगैरह बनाने के लिए, उनके पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए काम में आता है। हाउस होल्ड्स आर्टिकल्स बनाने के लिए काम आता है, घर में जो चीज़ें काम आती हैं वो बनाने के लिए काम आता है। ब्रश वगैरह बनाने के लिए काम में आता है, टूथ ब्रश वगैरह, ठीक है। उसके बाद बुक्स वगैरह या जो बुक्स वगैरह जो होता है वो बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो मेनली जो इसका यूज़ है आपको वो याद रखना है, और नायलॉन कैसे कहाँ पर डिस्कवर हुआ, किस टाइप की उसकी प्रोसेस थी वो आपको याद रखना है, करेक्ट। कल अपन पढ़ेंगे पॉलिएस्टर, तो आज के लिए सिर्फ इतने, अच्छे से पढ़ें, और कोई भी डाउट हो तो अपन से फिर आगे क्लास में बात करें, ठीक है।